यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। बच्चों, हमें पूरा विश्वास था कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। होता भी कैसे भाई साहब, एक दैविक है एक दावंश, इन दोनों ने एक दूसरे को खतरे से बचाया होगा। अरे पर हमारे मुन्ने का क्या, वो तो इतना छोटा है, उस पर क्या बीती होगी। नन्ही सी जान और इतना बड़ा हादसा, अपनी दादी डायन को देख के तो कितना डर गया होगा ना। नहीं चाची, मुन्ना तो हाय मेरा मासूम सा बच्चा, कितना सहम गया होगा उन मृतकियों को देख के। मुन्ना बिल्कुल नहीं घबराया वो तो। या तुम्हें कैसे पता, ये बोलकर थोड़ी ना बता सकता है तुम्हें। हाँ वही तो, ये तो बस रोता रहा होगा, है ना। नहीं नहीं चाची, मुन्ना बिल्कुल नहीं रोया, ये तो बहुत स्ट्रांग है। अरे स्ट्रांग होगा ही, आफ्टर ऑल दैविक और दावंश का बेटा जो है। अरे लेकिन है तो छोटा सा बच्चा ही ना। मुन्ना, अरे मुन्ना, ये क्या है? मुन्ना, ये यही तो हम आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे मुन्ना के पास शक्तियां हैं। हमने मुन्ना को मृतकी और मोहना से नहीं बचाया है, बल्कि मुन्ना ने हमें उनसे बचाया है। मुझे पहले ऐसा लग तो रहा था कि हमारे मुन्ना के पास शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं ये मुझे नहीं पता था। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आज हम घबराएंगे क्यों बेटा, ये तो खुशी की बात है कि हमारे पोते में इतनी सारी शक्तियां हैं। क्या बात है, जिस उम्र में बच्चे डायपर नहीं बदल पाते, ये डायनों से लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो चेताली, इतनी सी उम्र में ये सब कुछ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, मंदिर पहुंचते ही मुन्ना की पहले नजर उतरवाएंगे और फिर माता रानी का आशीर्वाद दिलवा देंगे उसको। अच्छा किया भाभी, इसी बहाने हमारे मुन्ना को माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। अरे आज क्या कर रहा है? इतने सारे चमगादड़ कहां से आए? ऐसे तो ये लोग शीशे को तोड़ के अंदर आ जाएंगे। गाड़ी में बैठे रहना सेफ नहीं है। एक काम करता हूँ,
गन शॉट से इन्हें डराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मौका मिले आप लोग निकल जाइएगा। चलो चलो। अरे बाप रे, ये क्या भला है? अंश जल्दी जैकेट जैकेट, मुन्ने को छुपाओ, जल्दी से छुपाओ, प्यार छुपाओ उसे। देखा आप लोगों ने, जैसे ही मुन्ने को ढका तो सारे चमगादड़ चले गए। हाँ, तो क्या ये लोग बच्चे के लिए आए थे? क्या हुआ? वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? जाएंगे कैसे बच्चे को इतनी दूर पैदल लेके जाएंगे क्या? मंदिर बहुत दूर है। नहीं नहीं, शाम होने वाली है। ऐसा करते हैं कि हम लोग घर वापस चलते हैं। हाँ हाँ, ये बात सही है। क्या सही है? घर जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट तो होनी चाहिए। जी मुसीबत है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टेशन, वहाँ चलते हैं, शायद कोई टैक्सी या बस मिल जाए। अंश प्राइम निकाल लो। जी मुझे बड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है। बेकार में चिंता कर रही है। जंगल है, जंगलों में जंगलों का होना बहुत नॉर्मल है। और उस बिल्ली का क्या? कैसे घूर रही थी, मुन्ना को देखा नहीं था आपने? क्या हुआ भाभी? कोई है वहां पर? कोई देख रहा है हमें वहाँ पेड़ के पीछे से? पर कोई नहीं है वहाँ भाभी। कोई नहीं है यहाँ? अरे मैं कह रही हूँ, मैंने उसके चलने की आहट सुनी, मैंने देखा किसी को। माँ वहाँ कोई नहीं है। मैंने देखा था। चल सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मुन्ने की शक्तियाँ है। अगर शक्तियाँ ही नहीं रहेगी तो मुन्ना नॉर्मल बच्चे की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अच्छा, तुम्हें भी लगता है कि हमें मुन्ने से उसकी शक्तियाँ छीन लेनी चाहिए? तुमने देखा ना कैसे हर बार मुन्ने ने अपने आप को बचाया है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ, फिर भी मैं यही कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मुन्ना हर पूरी ताकत का सामना कर पाए। कल को अगर खतरा और भी बड़ा हुआ तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी खतरा इतना बड़ा हो सकता है जिसका हमारा मुन्ना सामना ना कर पाए। और फिर तुम ही सोचो अंश, अगर हमने उसकी शक्तियां छीन ली और उसके बाद किसी ने उस पर हमला किया तो क्या होगा? फिर ना हम उसे बचा पाएंगे और ना वो खुद को बचा पाएगा। लेकिन प्रिया ऐसा होगा ही नहीं ना। अगर मुन्ने के पास उसकी शक्तियां नहीं होंगी तो वो किसी और के लिए खतरा नहीं बनेगा, और फिर उस पर भी कोई खतरा नहीं होगा ना प्रिया। और तुम क्या चाहती हो प्रिया, कि तुम्हारे और अंश की तरह मुन्ना भी जिंदगी भर खतरों से जूझता रहे?
ये मक्षिका परी है। परी? ये तो मक्खी जैसी दिखती है। शांति, इतनी छोटी सी मक्खी क्या करेगी? ये दिखने में छोटी है शेखर जी, लेकिन इसके अंदर अपार शक्तियां हैं। और ये हमारे मुन्ने से शक्तियां लेकर उन्हें सुरक्षित रखेगी। मक्षिका, तुम्हें मुन्ने से उसकी शक्तियां लेनी है। अब तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो मक्षिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ने को ऐसा खेलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब हमारा मुन्ना भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिना किसी खतरे के डर से। या मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ट्रस्ट मी, मुन्ना बिना शक्तियों के ज्यादा सेफ है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से डर जा ही नहीं रहा। मुन्ना पर फिर से कोई खतरा आ गया तो? कहीं हमने मुन्ना की शक्तियां लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? क्योंकि जिस तरह मुन्ना ने मोहना और मृतकियों का मुकाबला किया था, उससे साफ जाहिर है कि मुन्ने की शक्तियां कितनी स्पेशल है। लेकिन अब वो शक्तियां नहीं रही, इसका मतलब छोटा मोटा खतरा भी मुन्ने के लिए बहुत बड़ा होगा। या लेकिन पापा ने कहा ना कि अब उन्ने को कोई खतरा नहीं, क्योंकि खतरे की वजह शक्तियां थी जो अब नहीं है। उन्ना बिल्कुल सेफ है। पिया जाओ, उसको बचाओ, मैं इसे हटाता हूं। फिर ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे? मुझे हो क्या गया है? जय हो मैया की! क्या हो रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? अगर रूबी वक्त पर नहीं पहुंचती, पता नहीं क्या हो जाता। रूबी, तुमने मुन्ने की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपने कहा था ना मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, तो प्लीज ये कहकर मुझे और पराया मत कीजिए। मैं
आपने जो किया अपनी फैमिली के लिए किया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अंश प्रिया दोनों वहां थे फिर भी तुम दोनों उस स्लाइड को गिरने से रोक नहीं पाए। हाँ अंश, प्रिया तुम दोनों ने मुन्ने को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अंश तो कार ट्रक सब उठा लेता है ना, तो फिर? चाची, हमने कोशिश की थी लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। या तुम कहना क्या चाहते, तुम दोनों कुछ कर नहीं पाए? मतलब हम हमारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। लगता है हमारे अंदर की शक्तियां चली गई है। बाप रे, कहीं कहीं ऐसे तो नहीं कि वो मक्खी परी मुन्ने के साथ साथ अंश और पिया की शक्तियां भी हड़प कर गई? हो सकता है, क्योंकि मुन्ने की शक्तियां अंश और पिया की वजह से थी, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं। इसीलिए जब मक्षिका परी ने मुन्ने की शक्ति ली तो शायद अंश और पिया की शक्तियां भी चली गई। तो इसका मतलब अंश और पिया के पास अब शक्तियां नहीं रही? सब मेरी गलती है। पिया तो मुन्ने की शक्तियां छीनने के फेवर में नहीं थी, लेकिन मैंने उसे मजबूर की। मुझे लगता था कि मैं और पिया मुन्ने को हर खतरे से बचा सकते हैं, लेकिन आज I'm sorry पिया, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। मुन्ने को खतरे से बचा नहीं पाया। तुम सही थी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुन्ने की जान पर बना। समझ नहीं आ रहा कि मुन्ने को हम अपनी शक्तियों के बिना आने वाले खतरे से कैसे बचा पाएंगे। डोंट वरी अंश, जब तक मैं यहाँ हूँ मुन्ने को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। इनफैक्ट आप सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगी। वाह रूबी, क्या बदलाव है। तुम यहाँ? आपने क्या सोचा, मक्षिका परी को इस गुफा में छुपा के उसे और मुन्ने की शक्तियों को मुझसे बचा लेंगे? उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोना, क्योंकि मक्षिका परी अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकती है। वो पिद्दी सी मक्षिका परी मेरा मुकाबला करेगी, एक सरपायन का मुकाबला करेगी। आपकी बात सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है समधी जी। और तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस देख कर मुझे, वैसे हम यहाँ ये बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अंदर जाकर मक्षिका परी से निपट क्यों नहीं लेती? या डर गई? कहाँ हो मक्षिका परी, सामने आओ। इसे मिटाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। इतनी सारी मक्खियों में से मक्षिका परी को कैसे ढूंढूंगी जिसके पास मुन्ने की शक्तियां हैं? बाकी सब बाद की बातें हैं मोना, पहले तुम मक्षिका को ढूंढ तो लो। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। अरे बाप रे,
ये कहाँ से आया? तुम अब इस मक्षिका छत्ते से कभी आजाद नहीं हो पाओगी, कभी नहीं। हाँ, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े और वो बदले में तुम्हारी मदद करे तब शायद, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुमने तो अपनी जिंदगी में हमेशा दुश्मन ही बनाए हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे तुम्हारी जरूरत पड़े। अलविदा मोहना। अरे मुन्ने का ब्लैंकेट जमीन पर, चैताली कहाँ चली गई? कमल तो ये रहा, लेकिन पता नहीं चैताली कहाँ पर चली गई। श्री तुम भी कमाल करती हो, तुमने तो सुबह से उसको महाशिवरात्रि की तैयारियों के लिए लगा रखा है। सामान उसको याद आ गया होगा, वही लाने गई हो। हाँ, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए था ना। लगता है मुन्ना को ना ठंड लग रही है, देखो कंबल की तरफ कैसे इशारा कर रहा है। ये लो। मैं भी चलता। बड़ी माँ, हम लोग कमरे में जाते हैं, थोड़ा असाइनमेंट का काम है तो पूरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ, वो सब कंप्लीट करना है, हम आते हैं। हाँ। आप मेरी हेल्प करना नोट्स। हाँ, हाँ। तुम भी देखो चैतानी कहाँ रह गई। विनाश, फोन लगा बता, जान से भाभी तुम्हारी टेंशन में आ जाएगी और हम सब। जी भैया। कुछ नहीं। मुन्ना अब आराम से खेल रहा है, हम नीचे चलकर महाशिवरात्रि की तैयारियां करवाते हैं। इससे पहले हम इसे रख देते हैं ताकि मुन्ना उठे तो हमें नीचे पता चल जाए। ये आवाज कैसी? नहीं, इससे तो नहीं आ रही। बाहर से आ रही है, लेकिन ये है क्या? ये सब क्या है? नहीं। हमारे घर वाले कहाँ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आज। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऊपर आए तब तक तो सब ठीक था। पिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंज, मुन्ना।
अब क्या करें अंश? मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे निकले? बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास हमारी शक्तियाँ होती तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुन्ने के साथ साथ हमारी शक्तियाँ भी चली गई। तो क्या तुम दोनों की शक्तियाँ वापस नहीं मिल सकती? मिल सकती है। बच्चे की शक्तियाँ हमसे कनेक्टेड थी और मेरी शक्तियाँ मोहना से कनेक्टेड है। रूबी, तुम मेरा काम करोगी। मैं सारी जिंदगी इस छत में कैद नहीं रह सकती। मुझे कैसे भी यहां से बाहर निकलना ही होगा। तू यहां? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मोहना। क्या? तुम्हारे खून की एक बूंद। ज्यादा वक्त नहीं अंश, अगर इन पत्तों ने हमें छू लिया तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। प्रिया, तुम तो जानती हो हम अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये रूबी अभी तक आए क्यों नहीं? रूबी! थैंक गॉड, तुम आ गए। काम हुआ? हाँ अंश, मैं मोहना का ब्लड ले आई। ये लो। रूबी, हम वहां नहीं आ सकते, तुम्हें यहां आना होगा। जल्दी प्लीज। रूबी, ये क्या किया तुमने? रूबी, तुम्हारी हमदर्द रूबी अब मेरे वश में है। अब तू पूरी तरह मेरे वश में है रूबी। अब तू वही करेगी जो मैं चाहूंगी, ठीक पहले की तरह। देखो कितनी अच्छी दादी हूं ना मैं। तुम्हारा सारा परिवार वन यक्षिणी के श्राप से श्रापित हो गया है। लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें मारने के लिए।
तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है, मतलब खत्म होने के लिए। शक्तियाँ वापस नहीं मिल सकती? मिल सकती है। बच्चे की शक्तियाँ हमसे कनेक्टेड थी और मेरी शक्तियाँ मोहना से कनेक्टेड है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मोहना, तुम्हारे खून की एक बूंद। ये लो। उठो पिया, उठो। थोड़ी ही देर में तुम सब यहां से गायब हो जाओगे और उस जंगल में चले जाओगे जहां अब से तुम हमेशा के लिए पेड़ बन के रहने वाले हो। क्या करूं? सबको शराब से कैसे निकालूं? मुन्ना को ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हारे मुन्ना को ऐसी जगह रखा है जहां तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान भी उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। और वैसे भी वक्त आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें और तुम्हारे भगवान को ज्यादा परेशान ना करो। कुछ ही देर में तुम्हारे मुन्ने की आत्मा को तुम्हारे भगवान के पास और उसके शरीर को तुम्हारे पास भेज दूंगी। फिर अपने मुन्ने को अपने सीने में लगा के रोते रहना। मैं नहीं जानता डायन किस शैतान को मानती है, मगर मोहना मैं तुम्हें बता दूं, जिस भी शैतान को मानती हो उसे अपनी जिंदगी की दुआ मांग लेना, क्योंकि अगर मेरे मुन्ने को हल्की सी भी घर हो जाए ना, तो जिस खून से मैं दावंच बना हूं, उस खून की कसम तुम्हारे शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बचने दूंगा। धमकियां अच्छी दे लेते हो अंश, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अगर तुम्हारे घर वालों को जल्द से जल्द इस श्राप से आजाद नहीं किया गया तो ये लोग हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे। सब लोग एक साथ परलोक पिकनिक पर चले जाएंगे। तुम्हें अगर यहाँ अकेला महसूस हो तो मुझे बता देना। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन मोहना तुम्हें भी उनके पास पहुंचा देगी। फिर सब एक साथ मनाना राठौर मृत्यु मिलन समारोह। अपनी ताकत को बचा के रखना मोहना, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना छूए, अंत में सच्चाई उसे गिरा ही देती है। जिस दिन मुझे मेरा मुन्ना मिल गया ना, उसके बाद तुम्हारी कुंडली में चंद सांसें ही बचेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हों को भयानक दास्तान में बदल दूंगा। दुआ में तुम मौत मांगोगी, पर दुआ कबूल नहीं होगी।
लगता है आजकल हिंदी फिल्म बहुत ज्यादा देख रहे हो। खैर, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ जो तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हारे वर्तमान में तुम्हारे बच्चे का भविष्यकाल, जो ये भूतकाल निगलने वाला है। क्या बात है, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें हंसी आ रही है? सच में बच्चे बहुत भोले होते हैं। उस दिन तुमने मेरे इसी चोटी से मुझे नीचे पटका था, याद है? और मैं कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां थी। आज मैं तुझे दिखाऊंगी ये चोटी क्या क्या कर सकती है। इसके हिसाब से तो उन लोगों को यहीं आना चाहिए था, फिर वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? हम यही है। बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे, बल्कि वो डायरी भी मैंने जानबूझकर वहां छोड़ी थी ताकि उसे पढ़ के तुम हमारा पीछा करते हुए यहां आ जाओ। मेरे मुन्ना को ढूंढना है मक्षिका भाई, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे मुन्ने को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां आपके पास है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए, मेरी मदद कीजिए। अगर तुम्हें मक्षिका परी की मदद चाहिए तो तुम्हें हम में से एक उस मक्षिका परी को पहचानना होगा जिसके पास तुम्हारे मुन्ने की सारी शक्तियां हैं, और उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का समय है जब तक ये फूल पूरी तरह से खिल नहीं जाता। ये तो सब एक जैसे है। मैं से उस मक्षिका परी को कैसे पहचानूंगा जिसके पास मेरे मुन्ना की शक्तियां, वो भी इतने कम समय में? यही चाहिए था ना तुम्हें, इसी के लिए हमारा पीछा करते हुए यहां आए हो, है ना? तो सोच क्या रहे हो, ले लो, तुम्हारी ही है। तुम सोच रहे होगे कि ये कील मैंने इतनी आसानी से तुम्हें वापस क्यों कर दी, क्योंकि मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। इन दोनों बच्चों से गलती हो गई कि इन्होंने तुमसे दुश्मनी ली। ये नहीं जानते कि तुम कितने खतरनाक हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, इसीलिए मैंने वो डायरी वहां छोड़ दी ताकि उसे पढ़कर तुम यहां आ सको। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें यहां धोखे से बुलाया, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटाने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस मिल गई है, इसलिए प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। चले। अब हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो, हमारी जिंदगी से चले जाओ। देखो, अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो तुम हमारी मेमोरी मिटा सकते हो। ऐसा करने से ना हमें तुम याद रहोगे और ना तुम्हारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन, और फिर हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होंगे। आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। अरे सक्सेसफुल? अगर मेरे कुंडली में मेरा अंत तेरे हाथों लिखा है तो तुम्हारे कुंडली में तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। मैंने सोचा था मैं मक्षी का परी को ही मार देती हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां कभी वापस ना मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है, इसीलिए उस दिन मक्षिका बच गई। अब तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हारी मौत में ही मेरी जिंदगी है। ये भूल तो किल नहीं वाला, और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी दावन शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। वो मक्खी का परी है, आप मुझसे डरी नहीं, मतलब आप मुझे जानती हैं। इसका मतलब आप ही वो मक्खी का परी है जिसके पास मेरे मुन्ने की शक्तियां हैं। बिल्कुल सही पहचाना, मैं जानती थी तुम बुरे नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरी। तो क्या आप मुझे मेरे मुन्ने को ढूंढने में मेरी मदद करेगी ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर मोहना ने अपने अंत का अंत कर ही दिया।